हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए इम्पोर्टेंस पावर सिस्टम में जो टॉपिक्स है इंसुलेटर के पार्ट टू के एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भी है, जिसमें हमने पहले पार्ट वन भी बनाया है इंसुलेटर के टाइप्स के साथ ही पावर सिस्टम क्या है उसमें किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, उन सभी के वीडियो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे जो वीडियो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि GSECL की एग्ज़ाम हो, ZCO की एग्ज़ाम हो या फिर GATE की एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप GATE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑफर लेके आई है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा जो प्राइस वो हाइक होने वाली है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल तक आप किस तरह का जो GATE अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, यहाँ पे 18 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। तो यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसमें बिफोर प्राइस हाइक है और प्राइस हाइक होने के बाद कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको हमारा कोड यूज़ करना पड़ेगा TECHSUFFER10, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे जो GATE एग्ज़ाम और ESC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी नोट्स भी मिलने वाली है, जिसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगा टॉप एजुकेटर थ्रू, और पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा उन सभी के एग्जाम्पल के साथ और किस तरह से आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे सभी के आइकॉनिक लर्नर भी आपको दिखाएंगे। तो आप अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे जो GATE एग्ज़ाम के लिए एसेंट बैंड भी स्टार्ट होने वाली है वो 13 मार्च 2022 से स्टार्ट होगी, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सभी ब्रांच के लिए SS बेंच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए भी है, और यहाँ पे रिजिलियंस ड्रॉपेड बेंच भी स्टार्ट होने वाली है, वो भी 13 मार्च को स्टार्ट होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल के ड्रॉप आउट स्टूडेंट है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, ECE के भी हो सकती है। तो उन सभी के लिए यहाँ पे 13 मार्च को नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं और आगे जाके इसके साथ ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1st MCQ है, इफ़ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर हैज़ 3 यूनिट्स ईच कैन विथ स्टैंड ए मैक्सिमम 11 kV एंड टोटल स्ट्रिंग कैन विथ स्टैंड 25.76 kV, वॉट इज़ द स्ट्रिंग एफिशियंसी। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एफिशियंसी कितनी है उसके बारे में बताया, जो सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर है तो उसका जो सही आंसर है वो में डी मिलेगा 78%, लेकिन वो किस तरह से मिलता है तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है स्ट्रिंग एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय फेस ओवर वोल्टेज ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एन क्या है तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो स्ट्रिंग कितनी है वो उसके यूनिट्स है। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी तो हमने दिखाया है कि फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 25.76, और यहाँ पे हमारे यूनिट कितने हैं, यहाँ पे 3 यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितने केवी के लिए है तो के मैक्सिमम 11 केवी के लिए है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा 78%। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम इस तरह से, अगर यहाँ पे रेटिंग चेंज हो और आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड करने को बोले तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं कोई भी टाइप्स के इंसुलेटर हो उस तरह से। उसके बाद जो ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्क ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज ब्लैंक्स। यहाँ पे जो सस्पेंशन टाइप्स का इंसुलेटर है उसकी जो डिस्क होती है उसमें स्ट्रिंग है तो उसमें वोल्टेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन। जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो जो नियर अबाउट जो उसकी लाइन्स है उसकी लाइन के यूनिट के जो मैक्सिमम वोल्टेज फ्लो हो गए, और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कि किस तरह से यहाँ पर इसका सही आंसर है वो हमें बी मिलता है।
उसके बाद जो क्वेश्चन देखे हमारा थर्ड क्वेश्चन, द अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज, जो यहाँ पे अनइक्वल वोल्टेज बोला है तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, अनडिजायरेबल एंड एक्सप्रेस्ड बाय स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हम अनडिजायरेबल होती है और एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी जो हमारा सही आंसर है वो बी मिलता है। और जो फ्लैश ओवर टेस्ट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो अनइक्वल वोल्टेज बोला गया है इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा बी होगा, अनडिजायरेड होगा और एक्सप्रेस भी हम नहीं कर सकेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ग्लास इंसुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर वोल्टेज एबो, जो ग्लास टाइप का इंसुलेटर है वो किसने वोल्टेज के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, 50 kV। 50 kV से उसके लिए हम ड्राई एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, 50 kV, क्योंकि ग्लास है वो चीपर है और यहाँ पे जो पोर्सेलिन का बना होता है तो उसी लिए जो उसकी टफनेस और जो यहाँ पे ग्लास की मॉइस्चर है उसकी कंडेंसर सरफेस की किस तरह का है उस सभी सरफेस लीकेज कितना होता है वो सब फाइंड करके पहले ही हमें ख्याल होना चाहिए, तो इसी तरह से हम 50 kV वोल्टेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते ग्लास इंसुलेटर का, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज सूटेबल टू यूज सेकल इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर के लिए यहाँ पे कौन सा लोकेशन सूटेबल है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, डेड एंड ऑफ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो डेड एंड होती है सेकल इंसुलेटर के लिए तो वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली होती है और जो वोल्टेज है वो लाइन में वोल्टेज फ्लो होते हैं वो लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें सही आंसर मिलता है वो हमारा होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज यूज फॉर इंसुलेटिंग स्टे वायर फ्रॉम पोल, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है हम इंसुलेटिंग स्टे वायर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर है उसे हम गाई टाइप का इंसुलेटर भी बोलते हैं और जो गे केबल है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके जो मेन पार्ट है लोअर पार्ट है और गे केबल है जो पोल में सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है पीपल और यहाँ पे एनिमल को ग्राउंड से टच करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, स्टे इंसुलेटर। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एमोंग डिफरेंट यूनिट ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, जो सस्पेंशन इंसुलेटर में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट यूनिट में तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने का पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जिंग करंट कॉज बाय स्ट्रे कैपेसिटर, यहाँ पे जो स्ट्रे कैपेसिटर कनेक्ट किया होता है वो स्ट्रे कैपेसिटर के हिसाब से चार्जिंग करंट फ्लो होगा और चार्जिंग करंट होगा वो किस तरह से फ्लो होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि स्ट्रे कैपेसिटर है वो स्ट्रे कैपेसिटर का टाइप सी है यहाँ पे, तो उस कैपेसिटर में किस तरह से चार्जिंग करंट चार्जिंग होता है डिस्चार्ज होता है उस तरह से अनइक्वल वोल्टेज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्किंग हॉर्न आर यूज्ड फॉर, आर्किंग हॉर्न का हम यूज़ किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, प्रोटेक्टिंग इंसुलेटर्स फ्रॉम क्रैकिंग और ब्रेकिंग ड्यू टू फ्लैश ओवर, जो यहाँ पे फ्लैश ओवर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके हिसाब से जो हमारा इंसुलेटर होता है वो ब्रेक होता है और क्रैक हो जाता है, तो उस इंसुलेटर के प्रोटेक्शन के लिए हम आर्किंग हॉर्न का यूज़ करते हैं। वो आर्किंग हॉर्न है वो वन टाइप ऑफ हॉर्न ही है जो बजता है जिस तरह से हम जो हमारा कोई फॉल्ट क्रिएट वाला होने वाला होता है तो उससे हम बच सकते हैं, तो इंसुलेटर के प्रोटेक्शन के लिए हम आर्किंग हॉर्न का यूज़ करते हैं। जो फ्लैश ओवर क्रिएट होता है फ्लैश ओवर जब आता है ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तो इस तरह का फॉल्ट क्रिएट होता है तो उसके हिसाब से हमारे इंसुलेटर होते हैं वो ब्रेक भी हो जाते हैं और क्रैक भी हो जाते हैं या फिर पूरा डैमेज हो सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम आर्किंग हॉर्न का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर जो रेन की इफेक्ट क्या होती है जब बारिश होती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, इट इज़ इम्प्रूव। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होगी क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ होता है, उसके साथ म्यूचुअल कैपेसिटेंस है वो भी हमारा इंक्रीज होगा, और जो सन कैपेसिटेंस होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारी के की वैल्यू क्या होगी, जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा डिक्रीज होगा, और जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि इंक्रीज होगी मीन्स के इम्प्रूव होगी। तो हमारा के क्या है, तो स्ट्रेक कैपेसिटर और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है उसे हम हमारा कॉन्स्टेंट के कहते हैं, और जो के की वैल्यू है मैंने पहले ही बताई, क्यों के की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी यानी कि इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए सस्पेंशन स्ट्रिंग हैव थ्री यूनिट वोल्टेज अक्रॉस टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट इब ऑफ स्ट्रिंग आर 6.71 वोल्ट एंड 11 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस मिडल स्ट्रिंग इफ वोल्टेज अक्रॉस वॉल स्ट्रिंग इज 25.76 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, बी 8.05 वोल्ट जितने होते हैं। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, वोल्टेज अक्रॉस वॉल स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट। सभी यूनिट के जो सम होते हैं वो सभी यूनिट के सम है वो अक्रॉस वोल्टेज वो जितने होते हैं स्ट्रिंग के उनके इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम दिस द वोल्टेज अक्रॉस मिडल यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम मिडल यूनिट का कैलकुलेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा वो हमारा बी होगा 8.05। तो दोस्तों मैंने यहाँ इंसुलेटर के पार्ट टू में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।